मैं सेल्फ डॉक्टर अब्दुल अहद हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट अन करके खाना नहीं खाता क्योंकि उसे लगता है कि उसका वेट बढ़ रहा है, जबकि उसका वेट बीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग 18 से भी कम हो जाता है। इसमें पेशेंट जो जनरली जो पेशेंट होते हैं वो 10 से लेकर के 25 साल की एज के कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, और उनमें भी 90% केसेस में जो है फीमेल देखने को मिलते हैं और 10% में मेल। इसके अलावा इसमें अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं। द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ने इस एनोरेक्सिया नर्वोजा को कैटेगराइज किया है जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड एक्सट्रीम कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया है, जिसमें माइल्ड में बीएमआई इंडेक्स के अंदर ऐसे पेशेंट को रखा है जिनका बीएमआई 17 से लेकर 18.149 के बीच हो, मॉडरेट के अंदर 16 से लेकर 16.99 और सीवियर के अंदर 15 से लेकर 15.99 और एक्सट्रीम के अंदर उन पेशेंट को रखा है जिनका बीएमआई 15 से भी कम होता है। एनोरेक्सिया नर्वोजा को दो सबटाइप में डिवाइड किया है जिसमें पहला है बिंज ईटिंग या पर्जिंग और दूसरा है रिस्ट्रिक्टिंग डाइट। बिंज ईटिंग के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा खा लेता है, इसके बाद उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा तो सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है, एनिवाज लगवाता है, लैक्सेटिव का यूज़ करता है ताकि वो फूड इंटेक किया है वो बगैर डाइजेस्ट हुए ही बॉडी से बाहर निकल जाए। दूसरा रिस्ट्रिक्टिंग टाइप के अंदर बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेगा, फास्टिंग करेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, जितना कि फूड नहीं ले रहा उससे ज़्यादा वो एक्सरसाइज में अपना फैट वेस्ट कर देता है। इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो ईटियोलॉजी अननोन है, लेकिन मोस्ट एक्सपर्ट जो है वो इसमें फेवर करते हैं कि प्राइमरी इसका साइकेट्रिक ओरिजिन है और पेशेंट ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं मोस्टली जो हाईली गोल ओरिएंटेड होते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो रहते हैं वो ओबेस पर्सन को पसंद नहीं करते, तो ये भी उन कैटेगरीज में आते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर इमेसिएशन, बहुत ज़्यादा लीन थिन बॉडी रहेगी। इसके अलावा फ्रीक्वेंट कंप्लेंट उसकी रहेगी जो कोल्ड इंटॉलरेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, अगर सीवियर केसेस हैं तो उनमें ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, हाइपोथर्मिया भी देखने को मिल सकता है। अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो बॉडी फैट नहीं मिलेगा, इसके अलावा देखने में बहुत ज़्यादा दुबले होंगे, इसके पैरोटिड इनलार्जमेंट या एडिमा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो ऐसी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज में रहती हैं उनके मेंसेस जो है वो एब्सेंट हो सकते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इसमें यही सिमिलर सिम्टम कुछ अलग डिजीजेज में भी देखने को मिलते हैं, जैसे एनीमिया है तो एनीमिया को रूल आउट करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराए के इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को रूल आउट करेंगे। इस अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप पेशेंट हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो सबसे पहले आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि कोई ड्रग हिस्ट्री तो नहीं है जिसमें मेटफॉर्मिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या मेट्रोनिडाजोल का प्रोलॉन्ग यूज़ या डिजिटलिस्ट ड्रग्स वगैरह पेशेंट तो नहीं ले रहा है। इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही है कुछ, स्कूल पर अगर कोई बच्चा है तो स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, या अगर कोई एडल्ट है तो किसी किसी अल्कोहल, टोबैको या इन सब चीज़ों का हैबिचुअल तो नहीं है। इसके अलावा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में ये चीज़ें, ये सिम्टम्स सारे देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड पेशेंट है तो कार्सिनोमा भी देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों में ये सिमिलर सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को पहले रूल आउट कर लें, और जॉन्डिस के पेशेंट, फीवर, एनीमिया अगर ये सब है तो उनमें ये देखने को मिल जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर ऐसे पेशेंट में एज अ डॉक्टर आप इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 cc IM अल्टरनेट डे पे 5 डोजेज इसके लगा सकते हैं। इसके अलावा सायरप
एपिटाइट को बढ़ाने के लिए, जिसमें एक्टिवेट साइरप है, जनरल टॉनिक है, टू स्पून बीडी में दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में फूड से एलर्जी पाई जाती है तो खाने से आधा घंटा पहले साइरप, प्रैक्टिस या फिर टैबलेट लॉन्जीफिन 25 mg की जो टैबलेट आती है उसको भी बीडी में आधा घंटा पहले खाने से दे सकते हैं, या जो प्रैक्टिन साइरप है वो 1 चम्मच TDS में खाना खाने से आधा घंटा पहले वो भी दिलवा सकते हैं। इसके साथ ही टैबलेट जेंटल एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट होती है 400 mg वो भी स्टेट डोज में दे सकते हैं। साथ में आप एडवाइस कर सकते हैं प्रोटीन रिच फूड और फ्रेश फूड लेने के लिए, और प्रोटीन पाउडर जो है वो दूध के साथ बीडी में वो भी एडवाइस कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और क्लाइमेट चेंज अगर पॉसिबल है तो वो भी चेंज करवाएं, और स्मोकिंग या कोई ड्रग हिस्ट्री है तो उस चीज़ को स्टॉप करें। और अगर आप पेशेंट हैं तो ये वो भी एडवाइस में बताया गया है वो सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट आप खुद से नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोस्टली ये लोग जो है वो खुद को पेशेंट नहीं मानते, तो ऐसे में साइकेट्रिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और परिवार और फैमिली के जो लोग होते हैं वो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उसकी मदद से ही इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। और इसमें ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट सब में इफ़ेक्टिव हो, अलग अलग ट्रीटमेंट इसमें इफ़ेक्टिव होता है, जिसमें साइकेट्रिक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, डिफरेंट ड्रग्स और ज़रूरत पड़ती है।